नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले रोज सामने आ रहे हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे के साथ पकड़ा जिसे वो बेचने जा रहा था। व्यक्ति के घर से छोटे बड़े 354 गांजे के पेड़ भी मिले, साथ ही 65 किलोग्राम गांजा मिला जिसकी कीमत 13 लाख है। उसे भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। सिंगरौली जिले के जियावन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे के साथ पकड़ा है। थाना प्रभारी राजेंद्र पाठक ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने गांजा रखा हुआ है जिसे वो बेचने निकला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बताए हुए जगह पर पहुंचकर घेराबंदी कर व्यक्ति को पकड़ा और उससे गांजा बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि आरोपी ने घर पर ही गांजे के पेड़ लगा रखे हैं। जब पुलिस ने तलाश की तो आरोपी के घर से छोटे बड़े 354 गांजे के पेड़ मिले, साथ ही 65 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत 13 लाख है उसे भी जब्त किया। तो करीब जो है 354 पेड़ गांजा के पेड़ पाए गए थे। गांजा भी कच्ची अवस्था में था, 4 से 6 फीट लंबे गांजा के पेड़ पाए गए थे। तो उस सभी गांजों को उखड़वा करके उदय भांसी गोंड के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई जो की गई थी। गांजा करीब 65 किलो तौलाने पर 65 किलो वजन निकला है। कीमती करीब मार्केट में करीब 13 लाख के आसपास जो बताई जा रही है। इस प्रकार उदयन भान सिंह कोण के विरुद्ध 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।